The next step is to see or check whether our data is complete or not and we have everything which we require. तो हमने डेटा के बारे में पढ़ा था, देखा था कि क्या है हमारे पास, कितने सारे कॉलम्स हैं, कितने सारे रोज़ हैं. अब हमें देखने कि हम उसको थोड़ा और कैसे एडजस्ट करके यूज़र फ्रेंडली वे से डिस्क्राइब कर सकें. नाउ यू ऑल हैव सीन, ये हमारा डेटा था, मटेरियल नंबर, मटेरियल डिस्क्रिप्शन पीरियड, दीज वर द 15 रोज़ विच वी हैड. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज़, मटेरियल में हमने पीरियड में हमने देखा वी हैड ईयर एंड मंथ टुगेदर. तो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो व्हाट वील डू इज़ वील एक्सट्रैक्ट मंथ एंड ईयर सेपरेटली इन टू कॉलम्स. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इंसर्ट करेंगे कॉलम्स, राइट क्लिक करके इंसर्ट, सो दैट आर टू कॉलम्स गॉट इंसर्टेड. एंड एक में मैंने मंथ लिखा एंड एक में मैंने ईयर लिखा. नाउ वी वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द मंथ एंड ईयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलम. तो हम लोग टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे. इफ़ यू रिमेंबर, for the month which is the last two of this entire, as you all can see 2016 feb mein aa gaye, ab hum log 2016 march mein aa gaye. to ye jo hai it consists of the last two digits or the last two numbers of this particular cell. to hum log kya function use karenge, jab hame kuch is right side se lena hota hai, extract karna hota hai, to hum log right function use karte hain. I'll just make it expanded. हाँ, now it's good. अब हम लोग राइट लिखेंगे because we want to extract the right two digits from this particular cell. So this is the cell which we have and the numbers which we want to extract are these two numbers from the right. तो हमने क्या लिखा, कितने numbers हमें extract करने, two. And we have got 01. तो 01 यानी कि मंथ हमें मिल गया. सिमिलरली वेन वी ड्रैग दिस पूरा एंड तक वील गेट द आंसर. सिमिलरली लेट्स डू इट फॉर द ईयर. ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें लेफ्ट से फर्स्ट फोर डिजिट्स चाहिए फॉर द ईयर. तो मैंने लेफ्ट लिखा, पीरियड वाला सेल सेलेक्ट किया एंड फोर. तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर 2016 आ जाएगा. नाउ सिंपली व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ड्रैग और लेट्स मेक इट शॉर्ट. इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग फॉर 88,000 रोज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो हम क्या करेंगे उसके बदले, उसका एक शॉर्टकट मैं दिखाती हूँ, बहुत ईजी है. हम लोग एकदम एंड में जाएंगे अपने पूरे टेबल के एंड जो लास्ट वाला हमारा रो होगा, जो लास्ट वाला हमारा, एंड मैंने ये कैसे किया, जो शो इट टू यू अगेन, दिस वॉज द स्टार्टिंग प्लेस. कंट्रोल प्लस डाउन आरो, कंट्रोल प्लस डाउन आरो हम लोग क्लिक करेंगे, सो वी विल रीच द बॉटम मोस्ट रो ऑफ आर टेबल. नाउ इस रो में, यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में आई कैन जस्ट टाइप एनी थिंग, मे बी एंड एंड एंड. तो इससे क्या होगा, ये अब मेरा, मैंने एक यहाँ पे एक बैरियर दे दिया है कि यहाँ पे मुझे अपने दोनों कॉलम्स को एंड करना है. इस कुछ भी, यू कैन टाइप एनी थिंग, इट डजेंट मैटर. अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली we'll copy this formula, control C, ये दोनों select करेंगे cells and control shift down arrow click करके देखो, मेरे पूरे दोनों columns एकदम end तक select हो गए. अगर आप यहाँ पर end नहीं लिखते और control shift down arrow क्लिक करते तो पूरे एंड तक, एक्सेल के पूरे एंड तक हम लोग पहुँच जाते. सो इट्स ईजी, इट्स अ शॉर्टकट वे टू यूज़. कॉलम टेबल के एकदम एंड में जाओ, जस्ट राइट एनी थिंग, मे बी अ वर्ड, मे बी अ सिंगल लेटर, सो दैट आप ऊपर में फर्स्ट रो से अपने फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हो. पूरे टेबल को सिलेक्ट, कैसे हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, दोनों कॉलम को, आई जस्ट टुक माई कर्सर ऑन A3 and B3 सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, तो पूरा अपने आप दोनों कॉलम सिलेक्ट हो गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंट्रोल वी,
एंड मेरा सारा डेटा यहाँ पे पॉपुलेट हो गया. टू रिमूव दिस लाइन आप एस्केप प्रेस करोगे तो ये अपने आप हट जाएगा. नाउ यू कैन सी एकदम एंड तक जाके कि मेरा पूरा डेटा इज़ कंप्लीट. आई हैव डेटा फॉर 2015 एंड 2016 के हर मंथ का. आई हैव 24 मंथ्स का डेटा. इसको और क्लियर बनाने के लिए जैसा फॉर्मेटिंग यहाँ पे किया हुआ है वैसा फॉर्मेटिंग हम इसको भी दे सकते हैं. ऑल बॉर्डर्स एंड इसका कलर चेंज किया हुआ है टू वाइट. सो दैट्स इट. दिस इज हाउ वी हैव मेड आवर डेटा लुक मोर क्लियर. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि हाँ कौन से मंथ एंड कौन से ईयर में कौन सा आपका कितना आपका सेल हुआ, कितना मटेरियल आपने कौन से ब्रांड के, कौन से साइज़ के, कौन से पैक के किस क्लाइंट को दिया. सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर डेटा मोर बेटर अंडरस्टैंडेबल.